दिखेगा। हेमंत कैबिनेट से 20 प्रस्ताव को मंजूरी। रिम्स में मेडिकल की सीटें 150 से बढ़ाकर 250 करने पर सहमति। धान के नए समर्थन मूल्य को भी स्वीकृति। सरा धर्मकोट प्रस्ताव को भी कैबिनेट की स्वीकृति। दुमका और बेरमो उपचुनाव में काउंटिंग का काउंटडाउन कड़ी सुरक्षा में। कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती। प्रत्याशियों के दिलों की धड़कने तेज। कृषि कानून के विरोध में सड़क पर ट्रैक्टर लेकर निकले कांग्रेसी नेता। प्रदेश और जिला मुख्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित। धनबाद में भी ट्रैक्टर रैली। धनबाद के तेतुली मारी के पांडे बस्ती स्थित झाड़ी से 15 किलो गांजा बरामद। जब्त गांजे की कीमत 3 लाख रुपए। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। और धनबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाहन चेकिंग के दौरान कार से 19 किलो चांदी की ईंट, चांदी के सिक्के और 1 लाख रुपए नकद बरामद। तीनों कार सवार गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, लेकर हाजिर हूं न्यूज 11 भारत पर। अपना धनबाद करेंगे आधे घंटे तक। झारखंड और उसके आसपास के धनबाद से जुड़े तमाम अहम खबरों की चर्चा, लेकिन पहले हेडलाइन का रुख करते बड़ी खबर की ओर, जो इस वक्त है एसीबी जांच से जुड़ा। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद धनबाद में भू अर्जन घोटाले में शामिल अफसरों और कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जा चुके हैं। इस मामले की जांच एसीबी कर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उस पूरे मामले को आपको समझाते हैं। खेल हुआ है उसका नमूना आपको गोलकडी में हम दिखाने जा रहे हैं। ये बीसीसीएल का गोलकडी एरिया है और देखिए यहाँ पे बुअर्जन घोटाला का यहाँ पे वो सबूत है जीता जगता। ये खाली प्लॉट है, बिल्कुल खाली प्लॉट है। आप देख लीजिए यहाँ पे दूर दूर तक यहाँ पे कोई मकान नहीं है, कोई आवास बना हुआ नहीं है। लेकिन भू अर्जन घोटाले में जो बात तथ्य सामने आई है वो तथ्य यह है कि इस जगह पर बना हुआ बना बनाया मकान पर कुछ लोगों ने यहाँ पर मुआवजा हासिल किया है। वो लोग हैं जो एक्चुअल में यहाँ बसे ही नहीं। धनबाद में हुए भू अर्जन घोटाले में आरोपी पदाधिकारियों और कर्मचारियों समेत 116 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद धनबाद एसीबी भी इसकी तैयारी में जुट गया है। बताया जाता है कि बीसीसीएल के गोलकडी में साल 2002-03 में भू अर्जन को लेकर जिन जमीनों को मुआवजा दिया गया था उसमें 106 लोगों को फर्जी तरीके से भुगतान कर दिया गया। ये मुआवजा उन्हें दिया गया था जिनका उस जगह से या उस जमीन से कोई लेना देना ही नहीं था। जब न्यूज 11 भारत की टीम ने मौके पर पहुंचकर इसका जायजा लिया तो पता चला कि जो मूल रैयती हैं, उनके स्थान पर फर्जी नाम से 2 करोड़ 15 लाख रुपए के भुगतान किए गए थे। मजेदार बात यह है कि बीसीसीएल ने इसके एवज में सिर्फ 13,80,000 रुपए जिला भू अर्जन विभाग को दिए, लेकिन धनबाद भू अर्जन विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने 2 करोड़ 15 लाख रुपए का भुगतान कराया। वही साल 2012 में आईआईटी आईएसएम के विस्तारीकरण के लिए 3.02 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसमें फर्जी तरीके से मूल रैयतों को मुआवजा देने की बजाय एक दर्जन फर्जी लोगों के बीच 12 करोड़ का मुआवजा बांट दिया गया था। बोल रहा है कि इस जमीन का मुआवजा कोई और आदमी उठा लिया है, हम लोगों को 1 रुपया भी नहीं मिला है। यहाँ पर मोटा मोटी 25-30 आदमी रैयत हैं, लेकिन उस रैयत में किसी को जो एक्चुअल आदमी है उसमें किसी को कोई भी राशि नहीं मिला। हाँ, पेपर के माध्यम से, मीडिया आप लोग के माध्यम से हम लोग जानते थे कि पैसा कोई उठा लिया, इसके वजह से हम लोगों को तो जानकारी था नहीं और है भी नहीं। इस मामले की शिकायत करने वाले समाज सेवी सह आरटीआई कार्यकर्ता और वर्तमान में भाजपा नेता रमेश राही ने बताया कि धनबाद में साल 2001 से लेकर 2013 के बीच रिंग रोड, जरेडा की जमीन, एमपीएल, भेलाटान, आदिवासी जमीन मुआवजा घोटाला समेत करीब 3,000 करोड़ का मुआवजा घोटाला हुआ है। इन सभी में जिले के तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी, जमीन माफिया, बिचौलिया और दलालों की भूमिका रही है। वही घोटाले को दबाने में कुछ वरीय आईएएस की भी भूमिका संदेहास्पद रही है।
2017 में मुझे जानकारी मिली, 2017 में जानकारी मिली कि गोलकडी में भी जमीन अर्जित हुआ था, जिसका कि पैसा 106 लोगों को मकान के नाम पर पेमेंट हो गया। आप देख सकते हैं कि जमीन पर कोई एक मकान नहीं है जिन लोगों को पेमेंट हुआ। जिनकी थोड़ी बहुत झोपड़ियां हैं तो उनको पैसा नहीं मिला, जो जमीन के रैयत हैं उनको एक पैसा नहीं मिला, और 106 लोग हैं और जिनका एड्रेस सबका लिखा हुआ है गोलकडी तीसरा। फिलहाल इस जमीन मुआवजा के दो अलग अलग मामले में सेवामुक्त किए गए धनबाद के तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक, सेवानिवृत्त जिला भू अर्जन पदाधिकारी नारायण विज्ञान प्रभाकर और सेवानिवृत्त भू अर्जन पदाधिकारी लाल मोहन नायक समेत कई कर्मचारी और अधिकारी इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं। BCCL की गोलकडी और IIT ISM के जमीन मुआवजा घोटाला के मामले में अनियमितता की जांच पहले से ही ACB कर रही है, और जांच में मामला प्रथम दृष्टि में सही पाए जाने के बाद ही राज्य सरकार के आदेश पर जिले के 3 जिला भू अर्जन पदाधिकारी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। वहीं एक दूसरे मामले में सेवा से बर्खास्त किए गए एक आरोपी उदयकांत पाठक तो साल 2015 में ही जेल की हवा खा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर हैं। News 11 भारत के लिए धनबाद से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। का मामला सामने आया है, ऐसे लोगों को मुआवजा दिया गया है जो एक्चुअल मुआवजा के लिए वो उसके अधिकार ही नहीं रखते थे, मतलब फर्जी तरीके से वहां भी भुगतान का मामला सामने आया है। और कुल मिलाकर गोलकडी और ISM के दोनों मामले को मिला दिया जाए तो करीब 12 करोड़ से ऊपर की राशि। तो करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदी गई थी और फिर उसके बदले में मुआवजा किसी और ने ले लिया, यानी कि जमीन किसी और की, मुआवजा किसी और ने कमाया, क्योंकि जानकारी मिल गई थी कि जमीन अधिग्रहण होने वाला है। इधर धनबाद में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून और श्रम कानून के विरोध में ट्रैक्टर से घूम घूमकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया। नेताओं का कहना था कि मोदी की गलत नीतियों के कारण आज देश के किसान बदहाली के कगार पर पहुंच चुके हैं। बिल में ये है कि ये कंपनी के हित में ये बिल लाया गया है। कंपनी जो है ये किसानों से सस्ते दामों में माल लेकर के जब बाज़ार में इसकी मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ा करके ये बेचने का काम करेगी, और साथ ही साथ APMC और MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे ये ख़त्म करने की साजिश है। जो है जो देश में लागू किया गया है, मोदी प्रधानमंत्री जो पास कर दिया है उसके खिलाफ हम लोग हैं और किसान को इससे बहुत बड़ा। धनबाद के तेतुलमारी पुलिस ने पानेडी बस्ती में छापेमारी कर 19 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद गांजा की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल झोपड़ी नुमा घर में झाड़ियों में छिपाकर इस गांजे को रखा गया था। पुलिस का कहना है कि इस मामले में हमें कई दिनों से सूचना मिल रही थी, यहां पर गांजे का अवैध कारोबार किया जा रहा था। बाद में पुलिस ने छापेमारी कर इसी गांजा से भरे बैग को बरामद किया। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। छापामारी के दौरान हमें टीन शेड से ढका हुआ गांजा प्राप्त हुआ एक बोरी में, जो जिसकी मतलब जिसका वजन लगभग 19 केजी है और जिसकी कीमत लगभग 3 लाख होगी। तो हम लोगों ने उस केस में मतलब एक FIR दर्ज किया है NDPS एक्ट के तहत अज्ञात के विरुद्ध, और आगे भी अगर इस तरह की सूचना मिलती है तो हम लोग छापामारी अपना जारी रखेंगे। तो धनबाद पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में चांदी के सिक्के और बिस्किट बरामद किए हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। बैंक बोर्ड के पास कुछ शक होने पर टाइगर के जवानों ने जब कार को रुकवाने की कोशिश की तो कार चालक भागने लगा। इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और बाद में पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 19 किलो चांदी की ईंट, लाखों रुपए के चांदी के सिक्के और 1 लाख रुपया नकद बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, क्योंकि इनके पास से किसी तरह के दस्तावेज इन चांदी के सामानों से जुड़ा हुआ नहीं पाया गया।
धनबाद के केंदुआडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पिकअप वैन से भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया है। इधर पुलिस को देखते ही एक चालक मौके से फरार हो गया। बता दें कि इन दिनों अवैध कोयले को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एक अभियान के तौर पर ऐसे तमाम लोगों को पकड़ा जा रहा है जो अवैध तरीके से कोयले के इस कारोबार में लगे हुए उनसे जुड़े हुए हैं। अवैध से कोयला तस्कर मिलकर के काली बस्ती से कोयला निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सत्यापन के क्रम में एक पिकअप वैन ने अवैध कच्चा कोयला लगभग 1 टन लोड करके निकलने ही वाला था कि पुलिस घेर करके उसको जांच किया। जांच में पता चला कि इसका कोई वैध कागजात नहीं है। और इधर केंद्रीय कोयला मंत्रालय के आदेश पर कमर्शियल माइनिंग के तहत कोल ब्लॉक नीलामी के विरोध में श्रमिक संगठनों ने काला दिवस मनाने का निर्णय लिया है। बिहार कोलियरी कामगार यूनियन कार्यालय में यूनियन के नेताओं ने काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज कराया। बिहार कमर्शियल माइनिंग यूनियन के नेता राजेंद्र प्रसाद राजा ने कहा कि कोयला राष्ट्रीय संपत्ति है, इसे बीजेपी सरकार निजी हाथों में बेचने का काम कर रही है और मजदूर इसका विरोध करते रहेंगे। माइनिंग के वजह से अडानी अंबानी बड़े बड़े लोग बड़े बड़े उद्योगपति जो निजी तौर पर हमारा जो राष्ट्रीय संपदा है कोल इंडिया का जो अपना संपत्ति है उसको ले रहा है और इस स्थिति में कोल इंडिया बर्बाद हो जाएगा। निजीकरण की ओर राह में ले जा रहा है केंद्र सरकार। इसी का विरोध में संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन के तहत आज काला दिवस का आह्वान हुआ है पूरा देश में। यहाँ बिहार कोलियरी कामगार यूनियन सीटू के माध्यम से हम लोगों ने आज इसका विरोध प्रदर्शन किया काला बिल्ला लगा के। कमर्शियल माइनिंग बीसीएमयू यानी बिहार कोलरी मजदूर यूनियन तो इसने विरोध किया है कमर्शियल माइनिंग का। इधर निरसा के दहीबाड़ी परियोजना विस्तारीकरण में कल्याणचक दहीबाड़ी सहित कई गांवों को पुनर्वासित किया गया और जमीन अधिग्रहण भी हुआ है। अब तक विस्थापितों को रोजगार नहीं मिल पाए, बड़ी समस्या है। इससे निराश ग्रामीणों ने झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के तहत 11 सूत्री मांग पत्र परियोजना पदाधिकारी को सौंपा है। बाइक रैली दहीबाड़ी परियोजना के पास पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। वक्ताओं ने कहा कि जमीन हमारी अधिकार किसी और का, ये हरगिज होने नहीं दिया जाएगा। का आंदोलन यहाँ के ग्रामीण जितना विस्थापित हुए हैं उन लोग को अभी तक रोजगार नहीं मिला, जमीन के बदले नौकरी नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला और हम लोग आज प्रदर्शन के माध्यम से एजेंट को हम लोग मांग पत्र सौंपे हैं। 15 दिसंबर तक यदि ठोस पहल नहीं होता है तो हम लोग पूरा दहीबाड़ी का चक्का जाम कर देंगे। धनबाद जिला परिषद के निरसाहटिया बाजार के 58 दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। पिछले दिनों हुए 26 दुकानों की नीलामी से जिला परिषद को अब तक 83 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। अब बाकी बचे दुकानों की नीलामी की जाएगी। अठावन में से 26 जिसमें हमें प्राप्त हुए 44 लाख, 15 लाख और 14 लाख। 83 लाख की राशि हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। अब एक दिन का नीलामी और बचा है, कल 15 दुकान होना है जिसमें लोग आवेदन करता होंगे, सब काम नीलामी करेंगे। जो बच जाएंगे सिंगल होंगे उसका हम चाहेंगे कि बुधवार या बृहस्पतिवार को फिर से नोटिस निकाल दूं ताकि मैं इस माह में पूरे निरसा में 58 दुकान का नीलामी कार्य पूर्ण कर। 58 में से 26 जिसमें हमें प्राप्त हुए 14। और यहाँ अपना धनबाद में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर दिखाएंगे कहाँ और कैसे मनी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की जन्मदिन।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत पर अपना धनबाद। इधर आरजेडी नेता और बिहार के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव का जन्मदिन धनबाद के सिंदरी में पार्टी कार्यालय में धूमधाम से मनाया गया। केक यहां पर कार्यकर्ताओं ने काटा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष तारकेश्वर यादव और महानगर अध्यक्ष मुमताज कुरैशी समेत कई लोग मौजूद रहे। इस मौके पर नेताओं ने बिहार में एग्जिट पोल में मिली पार्टी की बढ़त पर भी खुशी इजहार किया। शांतिपूर्वक राष्ट्रीय जनता दल के सारा कार्यकर्ता पदाधिकारी हम लोग जिला ऑफिस में एकत्रित हुए। एकत्रित होकर इसको हम लोग धूमधाम के साथ अपने बहुत शांतिपूर्वक से उनका जन्मदिन एक किसान फिर आज हम लोग मनाए हैं और खुशी हम लोग मना रहे हैं। ये तेजस्वी जी आगे बढ़े, मुख्यमंत्री बने, यह काली जी से, बजरंगबली से, कृष्ण भगवान से और समाज का लोग से हम लोग का निमंत्रण विनती है ये तेजस्वी जी। इधर बागमारा जेवीएम प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में बीसीसीएल एरिया 4 के वेस्ट मोदीडी कोलेरी के ए लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड परिवहन कंपनी का अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए मजदूर। जेमिन प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन को लिखित आवेदन देकर स्थानीय रहतों और बेरोजगारों को परिवहन कंपनी के माध्यम से रोजगार देने की मांग की गई थी, जिस पर परिवहन कंपनी ने लिखित आश्वासन भी दिया था, लेकिन कंपनी ने अब तक टाल मटोल का रवैया ही अपनाया हुआ है, किसी को भी रोजगार नहीं दिया, लिहाजा अब आंदोलन के सिवा कोई चारा नहीं है। हम लोग उस मांग पर उस पर आपका बागमारा के SDPO साहब में मौजूद थे, उसके देखरेख में एक लिखित हम लोग मिला था बात करने के लिए। उस 19 तारीख बाद में भी एक ट्रांसपोर्टिंग वाला किसी प्रकार के हमारे आंदोलन के साथ संतोषजनक बात नहीं की और हम लोग विवश होकर के आज हम लोग फिर धरना पर बैठे हैं और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं जब तक हमारी मांगों को नहीं मानेंगे। धनबाद जिला में आपराधिक वारदात पर अंकुश लगाने के लिए धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर महुदा थाना के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच कर रहे पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि अवैध हथियारों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। और इधर बागमारा में टाइगर फोर्स की तरफ से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर टाइगर फोर्स के नेता राजू शर्मा ने कहा कि यदि टाइगर फोर्स के सुप्रीमो डुल्लू महतो के समर्थकों को टारगेट किया गया तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी और अहम खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं न्यूज 11 भारत और सोशल मीडिया के जरिए होकर हमसे कनेक्ट। होते रहें झारखंड अपडेट। नमस्कार।